bees' enemies and their diseases. Enemies of honeybees include wax moth, इसमें गैलेरिया मेलोनेला है, और वैस्प, इसके अलावा वैक्स बीटल बर्ड्स. ये जो गैलेरिया मेलोनेला या वैक्स मॉथ है, द कैटरपिलर्स लिव इन द सिल्कन टनल्स मेड बाय द बीज. यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, कॉम्ब इन्फेस्टेड बाय द वैक्स मॉथ, प्रोपोलिस पोलन एंड वैक्स इन द कॉम्ब्स. फिर वैस्प है, इट वेट्स नियर द एंट्रेंस ऑफ द हाइव, कैचेस बीज एज दे कम आउट and macerate them for feeding the juice to its young ones. Other enemies, they are wax beetle, birds and ants. ये भी जो है वो common enemies हैं. Diseases जो common हैं honeybees या apiculture के हवाले से, इस पे है acarine, varices, American foul brood और nosema. Acarine में acarapsis woody इसका agent है, causative agent. And it infests, it causes infection in the tracheal system of the bees, respiratory system ko block karegi. Aur varices mein hemolymph jo hai honeybees ka, wo parasite ye suck kar leta hai, jisse honeybees ki death ho jayegi. Iske alawa American foul brood mein ye ek bacterial disease hai jisse bee larvae ke andar death cause hoti hai. Aur nosema bombicus ye jo hai, ye bhi ek nosema apis, ye bhi ek jo hai wo causative agent hai which destroys stomach cells and interferes with digestion. इसको आपने प्रोटोजोआ के अंदर पढ़ा हुआ है. इसके अलावा colony collapse disorder है जो कि observe किया जाता है. It is a phenomena that occurs when the majority of worker bees in a colony disappear and leave behind a queen, plenty of food and a few nursing bees to care for the remaining immature bees. इसकी बेसिक कॉज इकोनॉमिक लॉस है, बिकॉज बीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पोलिनेशन ऑफ मेनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. सेवरल पॉसिबल कॉज ऑफ कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर इंक्लूड सच एज इन्फेक्शन विद वेरोआ, एकरोप्सिस, माइट्स, मेलन्यूट्रिशन, जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं, जिसकी वजह से ये जो वर्कर बीज है वो लीव कर सकती है किसी कॉलोनी को. और ये आपके सामने जो डिफरेंट कंट्रीज की लिस्ट नजर आ रही है, इसमें ये टॉप एक्सपोर्टर्स हैं हनी के. इसमें चाइना जो है वो लीडिंग कंट्री है काफी देर से, और अभी अगर आप रिसेंट भी देखें तो यही है. दैट वाज ऑल अबाउट एपिकल्चर एज वेल एज इट्स मेथडोलॉजी एंड हनी बीज. इसको जो है वो कुछ पार्ट्स में वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक.